मुरादाबाद में थोड़ी सी बारिश होने के बाद जलभराव जैसी समस्या खड़ी हो गई। मुरादाबाद जनपद के अगवानपुर सेरवा धर्मपुर चौराहे पर जलभराव की समस्या से स्थानीय दुकानदार और नागरिकों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम प्रधान कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी विभाग ने यहां पर नल नहीं बनाया, जिसकी वजह से समस्याएं खड़ी हो रही हैं। ग्राम प्रधान अपनी जिम्मेदारियों से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय नागरिकों ने सिटी चैनल को जानकारी देते हुए बताया कि थोड़ी सी वर्षा होने के बाद यहां सड़कों पर पानी भर गया है। पानी निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, साथ ही गंदे पानी की वजह से दुकानदारों को भी दिक्कत हो रही है। बीमारियों का डर भी सता रहा है। ग्राम प्रधान ईश्वर कोई ध्यान नहीं दे रहे। सिटी चैनल से बात करते हुए स्थानीय नागरिकों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। समस्या ये है सर, यहाँ पर देखिए आप कितना पानी भरा हुआ है। ये मेन चौराहा है, ये मुरादाबाद का है, समझ लो ये जो मेन चौराहे हैं तीन चार, उनमें गिना जाता है। और देखो इसकी हालत देख सकते हैं आप, यहाँ भी देखो कितना कचरा पड़ा हुआ है। ना कोई यहाँ सफाई वाला आता है, ना कोई पानी की ये कोई निकासी के लिए प्रबंध बढ़िया है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पे चौराहे पे। यहाँ तक कि पानी के लिए कोई व्यवस्था, पीने के पानी के लिए भी नहीं है। नाले कब से बंद हैं? नाले तो ये सफाई हो ही नहीं रही है इनकी, काफ़ी टाइम से ऐसी चौक पड़े हैं। ग्राम प्रधान सफाई नहीं करते भैया? वो तो हम तो देखते नहीं कि वो यहाँ आके कुछ करें, हमने तो कोई देखा ना उन्हें कुछ कराते हुए यहाँ पर। शिकायत तो हमने तो नहीं किया, हो सकता है किसी और ने करी हो, लेकिन वो ध्यान देना चाहिए प्रधान जी को भी, यहाँ पे मैन चुराया है। ये पानी का जलभराव कब से? ये तो पानी अब बरसात आ रही है और ज़्यादा पानी भर जाएगा, देख रहे हैं आप क्या हालत है। और दुकान में भी पानी आ जाता है, देखिए आप क्या हालत है, देखो यहाँ भी आगे पानी हो जाता है जब बारिश होती है तो। क्षेत्रीय ग्राम प्रधान बलवंत सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वर्ष पूरा होने के बाद यहाँ पानी बढ़ गया है। पीडब्ल्यूडी विभाग को यहाँ नाला बनाना है, मगर अब तक बना नहीं है। प्रयास है कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान हो। पीडब्ल्यूडी वालों ने नाला बनाया नहीं है, पीडब्ल्यूडी वाले अपने उसमें जो है नाला बनाएंगे तब सड़क का पानी निकलेगा। तो ये नाले पीडब्ल्यूडी के या आपके ग्राम प्रधान के? नाला सड़क पे है ही नहीं। जल भराव कहाँ से आ रहा है? जल बारिश का पानी भरा हुआ ना, उधर ढेर की समस्या है, उधर तालाब पाट लिया। कैसे उसका तालाब पाट लिया? तालाब में पहले पानी चला जा रहा था, नंबर दो से तालाब पाट लिया। तो पानी निकालने के लिए? पानी निकालने की कोई सुविधा नहीं है। कैसे काम चला है उसका? तो इसके लिए आपने कोई लिख के दिया? लिख के मेरी अभी पीडब्ल्यूडी विभाग से फोन पर बात हुई थी एक कर्मचारी से। क्या कह रहा है? वो कह रहा है वो हटले से क्या नाम है गुरट्टी चौराहे से रोड बनती हुई आ रही है और हट सेरुआ चौराहे के आगे तक बनेगा नाला और रोड। जब तक तो इसका नाश हो जाएगा? सावन के महीने तक, उससे पहले पहले नहीं। पब्लिक जो चीख रही थी, इसको पब्लिक को कैसे संतुष्ट करोगे? अब सावन के महीने का भरोसा दिया उन्होंने, अब क्या करें बताओ। ये कह रहे बोले बजट हमने भेज दिया था यहाँ से लिख के, बजट पास नहीं हुआ,